सुनना बैंकॉक जाएगा ना? हाँ पक्का बैंकॉक में बैंक नेक्स्ट वीक पासपोर्ट बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं बाबू? ओ भाई यार तो पासपोर्ट ही नहीं थे, पासपोर्ट नहीं पासपोर्ट बनवाया नहीं थे लेके नहीं नेक्स्ट वीक बनेगा। तो कैसे जाओगे आप? कार्गो प्लेन पे वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो आज टुडे विल टॉक अबाउट फाइव मिस्टेक्स व्हेन वी आर डूइंग बारबेल प्रेस, बेंच प्रेस। ओके, तो आज डेमोंस्ट्रेट करेंगे मेरा फ्रेंड सुमित एंड ही इज द ओनर ऑफ द जिम द लिफ्टिंग क्लब। और चलिए तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक, गलती नंबर वन, ठीक है? लोग क्या करते हैं ना कि सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग डेड वेट विद द बारबेल इवन विद द डंबल। मान लीजिए कि आज वो लोग बेंच पे विद द बारबेल वो लोग बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो ये करने के बाद फिर वो लोग फ्लैट डंबल के साथ भी वो लोग मतलब हिट करते हैं चेस्ट को, तो इट्स द सेम ग्रुप ऑफ मसल। तो यू आर जस्ट अननेसेसरी यू आर ना यू कॉजिंग डैमेज ऑफ द मसल, तो ज़रूरी नहीं है। तो पहला मिस्टेक ये है कि सेम पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप आज बारबेल से कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम यू स्विच टू डंबल्स, तो यू कैन कीप ऑन चेंजिंग। हो गया मिस्टेक नंबर वन। मिस्टेक नंबर टू, प्लेसमेंट ऑफ द एल्बो, ठीक है? तो यार सुनो, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो ये एल्बो है बहुत अंदर पकड़ लेते हैं और कोई कोई एल्बो को बाहर कर देते हैं, ठीक है? तो हम आज दिखाएंगे कि एक्चुअली एल्बो का जो है ना प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए और जब व्हेन यू ब्रिंग द बारबेल डाउन तब एल्बो का फॉर्म कैसे होना चाहिए। तो ठीक है, अब जब ये नीचे आएगा तो यू सी इट्स ए स्क्वायर, ठीक है? तो दिस इज द परफेक्ट पोस्चर, इट्स ए स्क्वायर, ठीक है? तो अगर आप एल्बो ज्यादा अंदर लाओगे तो फिर देयर आर चांसेस विल डैमेज योर शोल्डर, और अगर आप एल्बो ज्यादा बाहर रखोगे देयर आर चांसेस विल डैमेज योर रोटेटर कफ मसल, वही शोल्डर प्रॉब्लम आ जाएगा, शोल्डर इंजरी आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया दूसरा गलती। अब है आपका मिस्टेक नंबर थ्री, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है? तो इस एक्सरसाइज में लोग क्या करते हैं, आधा हाफ ऑफ रेप्स मारना आते हैं, ठीक है? ये जरूरी है, दिस आर नोन एज पंप रेप्स, ठीक है? ये आप सेट के आखिरी में मारना चाहिए, सेट के आखिरी में, ताकि प्रॉपर ब्लड रश हो उस मसल में एंड इट विल हेल्प इन मसल हाइपरट्रॉफी। लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट रेप अगर आप आधा आधा करोगे तो कोई फायदा नहीं, यू शुड गो डाउन ऑल द वे डाउन, फील द स्ट्रेच एंड अप, ऑल द वे डाउन, फील द स्ट्रेच एंड अप, ठीक है? और लास्ट में यू कैन गो फॉर पार्शियल रेप्स, यू कैन गो फॉर पार्शियल रेप्स लाइक दिस फॉर द प्रॉपर ब्लड रश, ठीक है? तो ये हो गया मिस्टेक नंबर थ्री। अब ब्रीथिंग टेक्निक, ठीक है? बहुत लोग ब्रीथिंग में फोकस ही नहीं करते, कब सांस लेना है कब सांस बाहर छोड़ना है, ठीक है? तो इसमें क्या है ना, व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इट डाउन यू शुड ब्रीथ इन एंड व्हेन यू आर गोइंग अप यू शुड ब्रीथ आउट। जब जैसे आप ऊपर जाओगे व्हेन यू स्क्वीज योर मसल्स यू हैव टू ब्रीथ आउट, इनहेल व्हेन यू गो डाउन इनहेल अप ब्रीथ आउट, इनहेल ब्रीथ आउट, सी व्हेन यू गोइंग डाउन अप डाउन इनहेल अंदर एक्सहेल, दैट्स इट। और है एक आपका लैक ऑफ, आखिरी मिस्टेक, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रिक फेलर, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए अब सुमित के लिए ये 15 किलोस हैवी है, ठीक है? और मान लीजिए 15 किलो इज लाइफ फॉर सुमित, ठीक है? और इसने आराम से 15-20 पूरा खींच दिया, ठीक है? तो ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा, तो आपको ना उस हिसाब से आपको वेट लेना पड़ेगा, ताकि आपका जो भी आपका गोल है कटिंग हो बल्किंग हो मैक्सिमम आपको एक रेप रेंज आपको रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब लैक ऑफ कॉन्सेंट्रिक फेलर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको नीचे आप जा रहे हो ऊपर जो आप आओगे ना दिस इज कॉन्सेंट्रिक मोशन, यू आर गोइंग डाउन अप
तो अगर आपने आराम से 15-20 मिनट मार लिया तो इट वोंट डू एनी जस्टिस फॉर योर वर्कअप. आपको उस टाइम तक खींचना है ताकि जो ये मोशन है ना, कॉन्सेंट्रिक है ना, आप पूरा फेलियर हो जाए आपको, है कि नहीं. तो उस हिसाब से आपको मसल ट्रेन करना जरूरी है. तो ये था आज का शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, 5 मिस्टेक्स. और भी बहुत, इट्स ए वेरी वास्ट टॉपिक, लेग प्लेसमेंट, कोर एंगेज कैसे करना है, दैट विल टॉक इन सम अदर वीडियो. अभी के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू सुमित. थैंक यू. एंड थैंक यू सत्य फॉर शूटिंग द वीडियो. टिल देन मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स. बाय बाय. तुम्हार लोगों कथा पाती কিবা এটা ভাল লাগে. কি ভাল লাগে আজ না কি ভাল লাগে গুলি আজিলে কোনো কই পোৱা নাই মোক.